आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे पूरे परिवार? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो जी, ये शाम का वक्त है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि सोने से पहले मैं अपनी किचन की किस तरह से साफ सफाई करती हूं। क्योंकि सोने से पहले हम लोगों को कभी कभी उस जगह को या कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जिसे साफ करके ही सोना होता है, तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूंगी। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। तो अभी हम ये ट्रे को जलाएंगे जिसमें हम अंडे रखते हैं। मैं हमेशा शाम को ये ट्रे को जलाकर इस तरह से धुआं लगाती हूं ताकि जो भी मच्छर है या कीड़े हैं वो भाग जाए। तो मैं इस तरह से कर दूंगी। देखिए, शाम के वक्त बारिश आ रहे हैं और यहाँ देखिए बारिश भी हो रहे हैं। तो मैं ये तवा को इस तरह से रख दूंगी और इसी के ऊपर मैं ये ट्रे को रख दूंगी ताकि ये जलता रहे। तो अभी मैं किचन आई हूँ तो बना लेती हूँ डिनर। तो डिनर में आज हमारा बनेगा रोटी और चिकन। और बारिश का भी वक्त है तो सभी का मन था कि चिकन खाए, तो आज रोटी के साथ हम चिकन बना देंगे। और हमारे रयान को तो नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 बार जरूर ला कर खिला दे। तो यहाँ मैं रोटी के लिए तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए रयान का डिमांड है कि जो आटा हम अभी गूंथ रहे हैं उसे थोड़े टुकड़ा उसे दे दे ताकि वो आराम से बैठ के रोटी बेले। और जब भी मैं रोटी के लिए तैयारी करती हूँ तो रयान हमेशा आकर इस तरह से करते हैं। और क्या करें, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, अगर उसका डिमांड पूरा ना करे तो सिर पर घर उठा देते हैं। तो देखिए रयान किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं और मैं भी अपना काम कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने आटा गूंथ के रख दिए हैं, तो अब हम चिकन के लिए मसाले रेडी कर लेते हैं। तो मेरे परिवार, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जी, आप लोगों से बात करते करते देखिए हमारा चिकन के लिए मसाले रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ मैं कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देती हूँ और यहाँ मैंने प्याज को चॉपिंग मशीन से इस तरह से चॉप कर लिए हैं। और दिन में ही मैंने थोड़े से दाल बचा के रखे थे ताकि रयान शाम को खा ले। तो अभी मैं रोटी के साथ उसे चिकन और दाल दे दूंगी। और जब भी मैं नॉनवेज बनाती हूँ तो हमेशा सरसों का तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे नॉनवेज में सरसों का तेल का फ्लेवर बहुत पसंद है। और अगर सरसों का तेल ना हो तो ही मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, पर ज़्यादातर मैं मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए यहाँ हमारा प्याज हो चुका है, तो मैंने जो अदरक लहसुन कूट के रखे थे उसे यहाँ डाल दूंगी। और जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन हट जाए तो मैं यहाँ डालूंगी सूखे मसाले। तो यहाँ सूखे मसाले में हम डालेंगे जीरा धनिया का पाउडर और डालेंगे यहाँ हल्दी, गरम मसाला और डालेंगे यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ हम ज़्यादा मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि रयान भी खाएंगे। तो नमक यहाँ स्वाद अनुसार डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला कर पका लेंगे। और जैसे ही हमारे सारे मसाले पक जाएंगे तो यहाँ हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने टमाटर एक मीडियम साइज़ के लिए, तो इसे अब मैं यहाँ डाल देती हूँ। और जैसे ही टमाटर हमारे थोड़े गल जाएंगे तो मैं यहाँ डाल दूंगी चिकन। और इसे डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और इसे लो फ्लेम में हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो जी, जब तक हमारा चिकन पक रहे हैं तो मैं यहाँ रोटी बेल लेती हूँ। और आप लोगों को तो पता ही है और मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि मैं पहले सारे लोइयों को बेल लेती हूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ। तो यहाँ सभी लोइयों को मैं बेल लेती हूँ। और मेरे परिवार में आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ और वो यह बात है कि मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ अपना वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ हर दिन अपना वीडियो शेयर करूँ, पर मुझसे नहीं हो रहा। जब भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ हर दिन अपना वीडियो शेयर करूँ तो उसी के कारण से हमारा तबीयत खराब हो जाते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक का जो भी काम होता है मुझे ही करना होता है और इसके साथ मुझे वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ भी शेयर करना होता है। तो ये सब काम मैं एक साथ नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने ये फैसला लिए हैं कि जिस तरह से आज मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं यानी शनिवार को, तो मैं कोशिश करूँगी कि सोमवार को आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ। और हमारा वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग होगा 2 बजे। मैं हमेशा 2 बजे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। और अगर मैं 2 बजे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर ना कर पाया तो मैं शाम के 6 बजे ज़रूर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो आप सभी लोग मेरे साथ दीजिएगा ताकि मैं इस तरह से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर सकूँ। और देखिए, आप लोगों से बात करते करते हमारा रोटी बनाने का काम भी ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ मैं बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ ताकि रयान को हम स्टीम दे सकें।
चार पांच दिन हो गए हैं। कभी कभी हम लोग आग जलाकर रेयान को सेकते हैं या फिर पानी गर्म करते हुए इस तरह से स्टीम देते हैं। तो आज हम आग जलाकर रेयान को नहीं सेकेंगे क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और बारिश होने के कारण हम आग जला नहीं पा रहे, तो आज हम स्टीम ही देंगे। और हम लोगों ने रेयान को डॉक्टर के पास लेकर गए थे तो डॉक्टर ने भी कहा कि उसे घर पर स्टीम दे दिया जाए। तो रेयान को आज हम इस तरह से स्टीम देंगे ताकि उसे बहुत आराम मिले। और वैसे भी रेयान के पापा को भी ठंड लगे हैं तो उसी कारण से उसको भी स्टीम मिल जाएंगे। तो देखिए स्टीम के कारण से दोनों का क्या हाल हो गए हैं। तो यहाँ रेयान के पापा और रेयान ने स्टीम ले ली हैं, तो अब हमारा काम है कि हम लोग डिनर कर ले। तो आप लोगों से मिलते हैं डिनर के बाद। और डिनर के बाद आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी मेरी किचन नाइट रूटीन, तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। तो जी सभी का डिनर करने का हो चुका है, तो मैं अभी आई हूँ किचन ताकि मेरी ये छोटी सी किचन का साफ सफाई कर सकूं। तो यहाँ थोड़े से चिकन बच गए हैं तो मैं उसे फ्रिज में रख दूंगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले चूल्हे को साफ कर लूंगी क्योंकि आज तो हमारा नॉनवेज बने हैं, तो नॉनवेज बनने के कारण से हमारा चूल्हे थोड़े ज़्यादा ही गंदे हो गए हैं। और वैसे भी जिस दिन नॉनवेज बनते हैं तो मेरे ख्याल से सभी के चूल्हा या बर्तन ज़्यादा ही गंदे होते हैं क्योंकि मसाले रेडी करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा बर्तन गंदा करना होता है कभी कभी। तो आज मैं चूल्हे को अच्छी तरह से साफ करूंगी ताकि जो भी तेल मसाला या चिकन का स्मेल है वो निकल जाएंगे। तो यहाँ मैंने चूल्हे को अच्छी तरह से धो दिए हैं और धोने के बाद यहाँ मैंने सूखे कपड़े का इस्तेमाल किया ताकि जो भी पानी है वो हमारा निकल जाए। तो यहाँ का साफ सफाई होने के बाद अब हमारा काम है कि ढेर सारा जो बर्तन हमारे गंदे हो गए उसे धोना, क्योंकि आज हमारे रसोई घर में बना है नॉनवेज। और आप लोगों को तो पता ही है कि जब नॉनवेज बनते हैं तो कितने सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं मसाले रेडी करने से लेके और बनाने तक। तो देखिए कितने सारे बर्तन गंदे हो गए हैं, तो इसे अब हम जल्दी से धो लेंगे। धोने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिलाकर उसके प्लेस में रख देंगे। तो अभी हम ये बर्नर को भी साफ कर लेंगे क्योंकि ये साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम जो भी बनाते हैं तो ये बर्नर के ऊपर गिर जाते हैं, तो इसको साफ करना जरूरी है। अगर साफ ना करें तो ये ब्लॉक हो जाएंगे और यही कारण भी है कि कभी कभी हमारे चूल्हे खराब हो जाते हैं, तो इसको हमेशा साफ करके रखना जरूरी है। तो इसे भी अब हम साफ कर लेते हैं क्योंकि नॉनवेज बनाते वक्त जो भी मसाले या तेल थे इस पे लग गए हैं, तो इसे भी हम साबुन की मदद से इसे अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। और इसे अच्छी तरह से धोने के बाद इस तरह से हम खड़े कर देंगे और जो भी पानी वो निकल जाए उसके बाद इसे पोंछ कर हम रख देंगे। तो इस तरह से हम सूखे कपड़े से इसे पोंछ देंगे ताकि जो भी पानी है वो सूख जाए। और सोने से पहले अगर आप इस तरह से अपनी किचन की साफ सफाई करने के बाद आप सोओगे तो सुबह के वक्त ये होगा कि आप जो काम करना चाहते हो उसके लिए आपको लेट नहीं होंगे। तो मैं अभी बेसिन को साफ कर लेती हूँ। तो देखिए ये लकड़ी की मदद से मैं इस तरह से करूँगी ताकि जो भी ब्लॉक हो गए या फिर जो भी फंसे हुए हैं वो निकल जाएंगे। तो मैं इस टाइप के पतले से लकड़ी को हमेशा रखती हूँ ताकि जो भी फंस जाएंगे तो मैं इस तरह से निकाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने तो बेसिन को अच्छी तरह से साफ कर दी है, तो अब हमारा काम है कि बेसिन से जो कनेक्शन पाइप है उसे हम साफ करें। तो देखिए इस तरह से मैं पाइप निकाल कर हमेशा साफ करती हूँ। और इस तरह से पाइप निकाल कर साफ करने का बहुत रीज़न है। एक्चुअली में यह होता है कि जब हम कुछ भी बेसिन में धोते हैं तो कभी कभी क्या होते हैं कि वो फंस जाते हैं, या फिर खास तौर पर जब हम नॉनवेज यहाँ साफ करते हैं तो कुछ भी टुकड़े होते हैं वो यही पाइप में कभी कभी फंस जाते हैं, तो वो बहुत स्मेल आते हैं। तो अगर इस तरह से साफ ना करें तो कभी कभी हम लोग बेसिन में कुछ भी धोते हैं या कुछ भी काम हो तो उस कारण से कभी कभी स्मेल भी होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि वीक में एटलीस्ट 2 या 3 बार तो जरूर करना चाहिए, और अगर आपके पास टाइम ना हो तो वीक में 1 बार जरूर करें। तो जब मैं यहाँ साफ कर रही थी तो मैंने पाइप ऑन कर दिए थे ताकि जो भी गंदे अंदर है वो पानी की वजह से बाहर निकल जाए। तो अभी मैं साफ करूँगी इंडक्शन और ग्राइंडर। वैसे तो मैं हमेशा साफ करती हूँ, पर आज चिकन के लिए मैंने जो मसाले रेडी किए थे थोड़े मसाले यहाँ पर लग गए हैं, तो ग्राइंडर को साफ कर दूंगी। और इंडक्शन की बात है तो 1-2 दिन हो गए हैं मैंने इसे साफ नहीं किए थे, तो आज दोनों को ही साफ कर देती हूँ। और ये जो भी सामान है हमारे डेली यूज के हैं तो हमेशा इस तरह से हमें साफ करके रखना होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो भी साफ सफाई का काम है अगर रात को ही कर दे तो आपको सुबह को करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुबह का वक्त ऐसा होता है कि इंडक्शन में हम कभी चाय बनाते हैं या दूध गर्म करते हैं, या फिर कभी कभी नाश्ते के लिए हम लोग ग्राइंडर को भी यूज़ कर लेते हैं, तो दोनों का साफ होना बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप रात को ही कर दें तो सुबह करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ मैं फ्रिज को भी साफ कर लेती हूँ।
और मेरे ख्याल से सुबह से लेकर शाम तक तो हम लोग 10 बार से ज़्यादा ही डोर खोलते हैं, तो ये गंदे हो जाते हैं। तो मैं अभी सूखे कपड़े की मदद से इसे साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ हमारा किचन ऑलमोस्ट साफ़ हो चुके हैं, तो अभी मैं यहाँ डालूँगी डेटोल, क्योंकि हमने बेसिन साफ़ कर दिए और बेसिन से जो कनेक्शन पाइप है उसे भी कर दिए हैं। तब मैं डाल देती हूँ डेटोल लिक्विड। तो किचन की पूरी साफ़ सफाई होने के बाद लास्टली मैं ये करूँगी कि किचन को पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद ही पोछा लगा दूँगी, क्योंकि दिन भर जो भी गंदे हो गए हैं या शाम के वक्त मैंने नॉनवेज भी बनाए थे, अगर गंदे भी हो गए हैं तो वो साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि रात के वक्त हम डिनर बनाते हैं तो थोड़े मोड़े तो गंदे हो ही जाते हैं, तो इस तरह से साफ़ करना ही ठीक होगा। तो मैं हमेशा इस तरह से साफ़ करती हूँ। तो यहाँ देखिए 10:30 होने को है और मुझे सोते सोते तो लगभग 11 बज ही जाएंगे। तो मेरे परिवार, आज आप लोगों को मेरी ये नाइट रूटीन कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं अपना वीडियो यही समाप्त करती हूँ, मिलते हैं एक नए दिन और एक नए वीडियो के साथ। बाय।